जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के जंगल में गुरुवार तड़के आतंकवादियों के हमले में दो सैनिक घायल हो गए। बता दें कि सेना के अधिकारियों ने बताया कि कास्तीगढ़ इलाके के जद्दन बाटा गांव में बुधवार देर रात स्कूल में बने अस्थायी सुरक्षा शिविर पर आतंकियों ने गोलीबारी की। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच करीब एक घंटे से ज्यादा गोलीबारी हुई है। आतंकवादियों को सेना ने घेर रखा है, वे बाहर निकलने के लिए रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं। वहीं डोडा में ही 15 जुलाई को आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के एक कैप्टन और पुलिसकर्मी सहित 5 जवान शहीद हो गए। बता दें कि 16 जुलाई को डोडा के डेसा फॉरेस्ट बेल्ट के काला भाटा में रात 10:45 में और पंचान भाटा इलाके में रात 2 बजे फिर फायरिंग हुई थी। इन्हीं घटनाओं के बाद सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए सेना ने जद्दन बाटा गांव के सरकारी स्कूल में अस्थायी सुरक्षा शिविर बनाया था। वहीं डोडा जिले के 2005 में आतंकवाद मुक्त घोषित कर दिया गया था। बता दें कि 12 जून के बाद से लगातार हो रहे हमलों में 5 जवान शहीद हुए हैं। वहीं 9 सुरक्षा कर्मी घायल हुए जबकि 3 आतंकवादी मारे गए।